48 घंटे के अंदर सरकार देखा, वही बात भारतीय निर्माण परिषद ने लोगों के बीच में रखी कि 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति होगी। मैंने प्रशासनिक स्वीकृति के अलावा कोई भी शब्द और दूसरा इस्तेमाल नहीं किया। उसके बावजूद भी विवाद करने वाले ने बहुत विवाद किया कि 48 घंटे में फैसले कराने की बात की, तो भी मैं चुप रहा। उन विवादों का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा विवाद उत्पन्न करने से आपसे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, जो जिस हेड से लक्ष्य से अपने लोग संघर्ष कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। समझदार लोग, बड़े लोग, ज्ञानी लोग, संघर्षशील लोग, उन्होंने विवाद किया कि 48 घंटों के अंदर कहां तक कब गया 48 घंटे, वो ये बात होंगे या पता होते हुए उन्होंने बात की, तो भी मैंने वो बात को सहज किया। नजरअंदाज लगातार मैं मुख्यमंत्री के पास गया और कोई काम नहीं बोला, बाकी कैबिनेट बोला और कैबिनेट के माध्यम से फैसला। 9 तारीख को जब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बुलाकर डेफर किया तो मुझे निर्णय लेना, क्या उस पद की छत्र छाया के अंदर मैं मौन रहूं, चुप रहूं, या जो हजारों लाख विवाद होते रहेंगे, हम लोगों की आपस में नहीं बनती, नहीं बनती। अच्छा कभी भी हमारे बोर्ड के ऊपर बनेंगे तो किसी को पूछेंगे नहीं कि हमारी बनती, अमेरिका और वियतनाम की नहीं बनी तो नहीं बनी, आपस के अंदर अमेरिका और वियतनाम की बनी तो किसी से पूछे, वहां से आर्मी निकाल दी। अफगानिस्तान और अमेरिका के अगर नहीं बनी तो नहीं बनी, अमेरिका ने अफगानिस्तान से आर्मी निकाली तो किसी को पूछा, दुनिया में किसी से नहीं पूछा, अपने आप ही समझौता कर लिया, अपने आप ही वो आर्मी को वहां से निकाल दिया। नहीं बनती, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, कई कई लोगों से बनेगी तो बनेगी, और जब सहमति होगी बन भी जाएगी। तो हम लोगों के आपस की सहमति को क्या विवाद के तौर के ऊपर किसी और के मंशा में इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये निर्णय हम लोगों को होना चाहिए। हनुमान और माफ रखो तो एक तय नहीं है कि आप सफल ही, अगर जंगल के अंदर आग लग रही भाई, एक कहावत है कि जंगल में आग लग रही थी तो एक चिड़िया अपनी चोंच के अंदर पानी लेकर आग बुझाई। कई समझदार आदमी जो तराजू से तोड़ने वाले हैं उन लोगों ने बोला कि इतनी बड़ी आग के अंदर तेरे चोंच से पानी इस जंगल के अंदर आग बुझाने के लिए अगर तू इस्तेमाल कर लिया तो इससे क्या होगा आग के लिए। तो उसने ये बात करेगी, जब कभी इस बात का जिक्र होगा कि आग लगाने वालों में शामिल थे, आग बुझाने वाले में शामिल था, तो मेरा चिड़िया का नाम आग बुझाने वाले कि हम लोगों को तय करना पड़ेगा। आज ओबीसी आरक्षण के अंदर विसंगत किया, मुझे नहीं बताते, मैं नहीं बताता, मैं स्वास्थ्य तौर के ऊपर ये बात कह चुका हूं, स्वीकार कर सकता हूं, उसमें कमी है तो ये मेरे में कमी है, उसमें गलती है तो मेरे में गलती है, मेरे नहीं। आज भी राजस्थान के अंदर जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके अंदर 90% लड़कों को ये नहीं पता, मनपाल के अंदर पिछले दिनों के अंदर भर्ती हुई उन परीक्षा देने वाले ओबीसी के नौजवानों को भी नहीं पता था कि जो ये प्रावधान बना हुआ उस प्रावधान के संदर्भ में जो कमियां उससे क्या हम लोग इसमें हैं परीक्षा के अंदर योग्य है या नहीं योग्य, उन लोगों को भी नहीं पता। विवाद नहीं तो मैंने पहले किया, सही की सही जगह, गलत की गलत की जगह खड़े रहने की कोशिश की, चाहे कुछ मिले चाहे कुछ नहीं मिले। लोग ये भी बोलते हैं मैं धरातल जमीन खिसक रही है, मैं धरातल जमीन खिसका था तो भाईतों के लोगों के ऊपर, भाईतों के लोगों की मेहरबान हुई, मेहरबानी हुई पूर्णियों के तले वालों की, जब तो मेरे को सिर्फ लोकसभा के अंदर धड़ल्ले से भेज दिया, अगले बार भाईतों के लोगों की इच्छा नहीं थी, पूर्णियों के तले के लोगों की इच्छा नहीं थी, तो ढेर लोकसभा से लाकर तीसरे नंबर नया तीसरे नंबर है, तो फैसला करने का अधिकार तो लोगों का है, मेरा तो है नहीं। इस बार चुनाव लड़ा तो लोगों का अधिकार है, भाईपुर के जनता का, मेरे को जिता दिया, मैं तो मौका हुआ था, तो धरातल खिसकाना या धरातल बनाना ये भाईपुर की जनता का अधिकार है, और वो अधिकार कोई और सोचता है कि मेरे पास है तो मेरे को माफी चाहता हूं, वो अधिकार इस लोकतंत्र में किसी के लिए। टिकट मिल जाए तो ठीक है, टिकट नहीं मिले तो ठीक, कई पार्टी है पार्टी जनता का फैसला करती, तो अब ये लोग कह रहे धरातल हट गए, मुझे तो महसूस नहीं हो रहा धरातल हट, इवन जयपुर और दिल्ली में बैठकर और वो किसी प्रकार की अटकल लगा रहे हैं, किसी प्रकार की वो नाप और पैमाना कर रहे हैं, तो भाई वो मुझे भी सिखा दे, मैं तो इसके योग्य नहीं हूं, मुझे तो वो पता नहीं है कि धरातल कैसे बनावा, धरातल कैसे है, ये तो जनता जनार्दन है, जिसका धरातल बनाना बना देगी और जिसका उपाय नहीं। विवाद करने के लिए तो हम लोग तनख्वाह भी दे देंगे कि दिन भर आप
विवाद करो, विवाद करने के लिए गाड़ी में बैठा भी देंगे कि मेरी गाड़ी में बैठो। जो आजकल विवाद का एक बार माध्यम आ गया ना, ये सोशल मीडिया, दिन भर आप विवाद करते रहो, तेरा मेरा गलत सही करते रहो। ये तो पंखा, ये मेरी गाड़ी की सीट, और बोलो क्या चाहिए, ये चाहिए तो और सब। और आपस में सामंजस्य करवाने के लिए, आपस में एक करवाने के लिए आपके पास बहुत कम लोग आएंगे। वोट नहीं देना तो मेरे को एक वोट ही नहीं देना। इच्छा है तिलोक जी को दे देना, इच्छा है बालाराम जी को दे देना, इच्छा है किशोर सिंह जी को दे देना, इच्छा है उम्मेदवार जी को दे देना, इच्छा उम्मेदवार जी की पार्टी को दे देना। पर आप सब एकजुट हो, अपने एकजुट रहने से आने वाला समय ठीक है। पर यह विवाद करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो आर्थिक पैमाना क्या तय करेगा। अगर वो 1 लाख करेंगे तो 1 लाख रुपए तक की जो आर्थिक सीमा उन लोगों को वो है अधिकार मिलेगा। 4 लाख करते तो उन लोगों को मिलता। ये गरीबी का निर्धारण करने का पैमाना, 1 लाख करना था, 4 लाख करना था, 8 लाख करना था, तो तय करने वालों ने 8 लाख तय किया। शहरों के अंदर प्लॉट होना, उस प्लॉट होने को भी उस पैमाने के अंदर शामिल किया कि अगर प्लॉट होगा तो भी इसकी पाबंदी नहीं है। पर किसी ने विवाद किया, हर पार्टी के लोग थे, हर तरह के जनप्रतिनिधि के लोग थे, हर जाति के थे, हर वर्ग के थे। मैंने तो कहीं भी विवाद नहीं सुना, कहीं भी विवाद नहीं आया। फिर जब अपने हित की बात होती है, उस वक्त ही विवाद क्यों होता है? अपने संदर्भ में विवाद क्यों होता है, कहां से तय होता है, क्यों किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल। जो गलत है वो गलत रहेगा, उसको कोई भी दुनिया की ताकत सही नहीं सिद्ध कर सकती है। तेरे मेरे के हिसाब से अपन किसी को भी सही कर सकता है, किसी को गलत कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो शामला के अंदर भी मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर मैं गलत हूं तो कमलेश प्रजापत के अंदर भी होगी। अगर मैं जाट आरक्षण में शामिल नहीं था तो उस वक्त के लोग और हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। तो गलत सही का निर्णय इस लोकतंत्र के अंदर करने का हर किसी का अधिकार है। और हम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि हम लोग एकजुट होकर और किस दिशा में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण किसी वर्ग के लिए, किसी क्षेत्र के लिए होती है वो जागृति होती है। और ये जागृति क्या है? ये जागृति है सही और गलत के अंदर फर्क है। सही और गलत के अंदर अगर हम लोग फर्क नहीं करेंगे तो हम लोग जागृत रहे, समाज एकजुट होकर उस दिशा के अंदर नहीं जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम सबको अच्छी तरह से पता है गुड़ और शक्कर के अंदर क्या सही है, हर किसी व्यक्ति को पता है। इसके अंदर तो कोई विवाद नहीं, इसमें तो कोई श्रेय नहीं, इसके अंदर तो लेकिन किंतु परंतु नहीं। हम सबको अच्छी तरह से पता है कि गुड़ और शक्कर में गुड़ लाख गुना सही और शक्कर लाख गुना हम लोगों के शरीर के लिए खराब है। पर वातावरण इस तरह का बना कि हम लोगों के घरों के अंदर गाड़ियों में से वो जो हम लोगों के खुद के लिए सबसे अच्छी चीज थी गुड़, वो तो धीरे धीरे हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। और जो शक्कर जिससे हम लोगों को सबको नुकसान होता वो धीमे धीमे हम लोग अपने घर के घर में देखा। तय तो हम लोगों को करना पड़ेगा, सही तो सही रहेगा, गलत तो गलत रहेगा। अगर हम लोग जागृत नहीं रहेंगे तो हमको आकर कोई भी जागृत नहीं करेगा। इस जागृति का जिम्मेवारी किसी की है तो अपन सबकी, क्योंकि आज का जो युग है ये युग है भारतीयों के युग पर सबसे नहीं। इस युग के अंदर इतनी सूचनाएं हैं, सूचनाओं के कारण भ्रांति, और जो समाज जो व्यक्ति के पास इस तरह की प्रतिभा है कि इन भ्रांतियों के अंदर सच्चाई तक पहुंचाए और सच्चाई से जुड़े, वो इस समय के अंदर जागृत रहेगा और वो इस समय के अंदर इस व्यवस्थाओं के अंदर अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करेगा। कई बड़े बड़े लोगों ने शामला से लेकर हमें हरी सौदी झारखंड के वक्त उन नौजवानों के साथ कांग्रेस के अंदर लड़े थे, उस वक्त जो आगेवान थे, उस वक्त के जो आगेवान थे ज्ञान प्रकाश खिलानिया, उस वक्त के जो आगेवान थे विजय सिन्हा जी को पता होगा, उस वक्त के आगेवान थे आराम जी को पता होगा, जिले के अंदर जो आगेवान थे संघर्ष में कमलेश के अंदर नहीं जाना था,
हमको भी पता था उस वक्त दो महीने हम तमाम लोगों को बात की, बड़ी विवाद उठाकर सवाल उठाकर हम भला किसका कर रहे हैं। तो साफ सुथरे सीधे बात अगर हम लोग करेंगे तो हम सबका भला हो, विवाद कब करें ये हम लोगों को तय करना। जो भी ओरमा है, गालियां है, विरोध है, वो बेटा करो सिर्फ जिसको देना चाहे जेल में, वसुंधरा राजा जी को देना चाहिए तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा उनको दे दो, वसुंधरा राजा जी के जी का किसी को भी दो, धरणी को दे दो, वसुंधरा को दे दो, धरती को दे दो, वृद्धा से कोई मना नहीं, हनुमान जी को देना चाहते हो हनुमान जी को दे दो, वृद्धा से मना नहीं, हनुमान जी को दे दो, अंगद को दे दो, इच्छा जिसको दे दो, कुलवीर को दे दो, बाली को दे दो, वृद्धा से कोई मना नहीं, जिसको श्रेय लेना है जिसको श्रेय देना है, इसमें गलत हूं अगर गलत मुझे फैलाना है तो मुझे गलत फैलाना, दंड देना है तो मुझे दंड दे दो, पर इस वक्त अगर हम लोग सब मिलकर और अपने हित के लिए एकजुट होकर आगे भी बढ़ेंगे तो क्या हम लोग सही कर रहे हैं क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, ये निर्णय हम सबको लेने की सहमति हर जगह होना जरूरी नहीं है, तो किस जगह हमको विवाद करना चाहिए किस जगह नहीं करना चाहिए, ये जिम्मेवारी किसकी है, ये जिम्मेवारी जो आगेमान है उन लोगों की ज्यादा है, क्या हमको किसी और से इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कौन कैसे इस्तेमाल करता है, कब करता है, क्यों करता है, ये उस व्यवस्था का भाग में खुल रहा हुआ तो मुझे पता अच्छी तरह से, उसके बदले में कौन क्या मांगता है, उसके बदले में कौन क्या देता है, वो सब बातें पर वो बातें की जिक्र करके राज्य से दिशा के अंदर विशेष मंजिल पर हम लोग पहुंचना चाहते हैं, वो बात दिशा मंजिल के ऊपर हम लोग नहीं पहुंचते।